जय भोलेनाथ जी, जय श्री राम। क्या हाल चाल है आप सभी के? तो भाई सुबह सुबह तुम्हारा भाई पानी गर्म करो, पानी दिखाओ, पानी गर्म करो। और अजय को कॉल किया था तब तो उठा लेता, अब कॉल करा तो उठा ही नहीं रहा यार। पता नहीं क्या होता, आता हो दोबारा ट्राई करूँगा और फिर जाएंगे बाहर। तो भाई अभी अजय कॉल के तो अजय भी जस्ट आ रहा है, कह रहा भाई फोक तो हो रही है। मैंने बोला हाँ भाई हो तो रही है, तो मैंने बोला छोड़ रहा नहीं है भाई, आ जाओ खींच के। कह रहा आ रहा हूँ भाई, आ रहा है वो भी। फोक दिखाऊँ आपको कितना तेज ज़्यादा हो रहा है, दिखाता हूँ अभी। सुबह के 6:30 बज रहे हैं, इतने फॉग है इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ये देखिए पूरा जंगल चारों तरफ धुंध ही धुंध, धुंध ही धुंध। और इसमें आप थोड़ी देर बाद हम खो जाएंगे। अच्छा ये है ना, जितना हम आगे तो जाते रहेंगे उतना वो तो क्लियर होता रहेगा। हाँ ये तो ट्रिक है इसकी। अभी हम थोड़ी देर में अभी तो वॉक कर रहे हैं, फिर रनिंग करेंगे, फिर उसके बाद रस्सी कूदेंगे, फिर उसके बाद बैडमिंटन खेलेंगे, है ना? बिल्कुल, फिर बैडमिंटन खेलेंगे। देख रहे हो सुबह सुबह कितना मेहनत कर रहे हैं हम, बॉडी बन जाएगी, बन जाएगी। बॉडी का तो पता नहीं बट कम जरूर हो जाएगी बॉडी। सही है यार, सब बढ़ जाएगा। आप खाते पीते घर गए ना इसलिए थोड़े। चल ठीक है। कोई नहीं, तो भाई अभी अभी रनिंग करके आए। इतना टाइम तो भाई जिम में भी जब करते हैं तो पसीने नहीं आते बिना एक घंटे से पहले। यहाँ तो 2 राउंड मार दिया, फिर एक्सरसाइज किया, आप खेलेंगे बैडमिंटन। आधा घंटा काफ़ी है, बहुत है आधा घंटा। यहाँ कूदेगा तू, इधर चल जाएगा। चल चल बैडमिंटन खेल लेते हैं। तो फाइनली भाई बैडमिंटन भी खेल लिया और आज आज का विनर अजय है। अजय चलो आज जीत गया मैं। तो भाई मैं भी तैयार हो गया और मम्मी भी तैयार हो गया सुबह सुबह आज, क्योंकि हमारे वहाँ मकर संक्रांति है। आप सबके यहाँ है, लेकिन तुम्हें पता हमारे यहाँ मकर संक्रांति मम्मी क्या करते, तीला संक्रांति कहते हैं। और आपके यहाँ कैसे मनाते? पतंग उड़ा के कहीं पे मनाते, और हमारे यहाँ कैसे मनाते मम्मी? वो तिल हाथ में देखो, वो भी सुबह नहाओ, पूजा करो, तिल दो। हाँ, तिल बहवे। हाँ, ये हमारा मतलब वो क्या कहते हैं, मंत्र है का, मंत्र है हमारे यहाँ का, मतलब जो मिथिलांचल लोग उन समझ गए होंगे। और पता हमारी दादी ऐसे भी कहती थी कि जल्दी से सुबह आज के दिन जल्दी जल्दी सुबह सुबह नहा लो, और जो सबसे पहले जल्दी नहा के आएगा उसको वो मिलेगा लड्डू, तिल वाला लड्डू। तो हम सब जल्दी जल्दी आते थे, नहा के आ जाते थे। फिलहाल में हम मम्मी जो करेगी पूजा वूजा वो दिखा दूंगा, और मैं थोड़ा तैयार हो जाऊँ। अभी नीचे से तो कुछ है नहीं मैं भाई। मम्मी ने कह दिया आज मकर संक्रांति, तो सबसे पहले जा भोलेनाथ जी के ऊपर जल चढ़ा के आ जा। मैं जाऊँ थोड़ा भोलेनाथ जी के ऊपर जल चढ़ा दूंगा अच्छे से, क्योंकि हर मंडे को जाता हूँ ना मैं, मतलब मंदिर जाता हूँ, लेकिन मंदिर तो आजकल जा नहीं पा रहा ठंड कारण, छत के ऊपर मैं जल चढ़ा देता। तो आज मंडे है नहीं, और इस मंडे को तो मैं बीमार था, तो आज जाके जल चढ़ाता हूँ। अभी मम्मी आ रही है। के ऐसे ही होता है ना मम्मी? और भाई पराठे बने, चटनी बनी और लड्डू है, खाकर सीधा ऑफिस निकलता हूँ मैं। भाई ये ट्रक वाले देख रहे हो, ट्रक वाले इनके पास से मैं पता क्यों कम सा जाता हूँ, डर लगता है। एक बार बचपन में मैं जा रहा था ट्यूशन पढ़ने, उन्होंने मेरे माथे पर थूक फेंक दिया, मैं छोटा बालक था, फिर बोल नहीं पाया मैं यार, पूरा ब्लॉग हो नहीं पाया था। पता क्या हुआ, पीछे में कोई आ गया था, तो मैं यूँ कहता हूँ वो जो थूक था ना, थूक के अंदर पता पान मसाले भरे पड़े थे एकदम दबा के, उसने थूक दिया माथे के ऊपर। भाई टॉपिक मैंने छेड़ दिया। अच्छी तो भाई फिर आज है ना पैसे निकालने आए थे, तुम सब सोचते ज़्यादा पैसे है, लेकिन नहीं, पापा के लिए आज पैसे निकालने आया था, कल किसी और का पैसा था। पापा यहाँ काम भी कर रहे हैं। ओ बदमाश, ये बदमाश तो नहीं है, बदमाश क्यों, बदमाश बदमाश है ये। और हम हर रोज यहीं आ जाते, नज़ारा सही है ना, मास्क ऊपर।
वो ये कह रहा है कि जुगाड़ हो, जुगाड़ क्या होता है ये बताओ आप, मैनर्स नहीं बात कर लीजिए आप। जुगाड़ मतलब अरे वो खाने पीने का जुगाड़, पहनने का ढंग। अच्छा ये सब कहा था आप। चलो कुछ खा लेते हैं, खाएंगे पियेंगे पानी। सो भाई फाइनली मैं अभी अभी जस्ट घर पे पहुंचा हूँ, और ये देख रहे हो, याद है आपको, जिसको याद भी होगा वो स्टंट मारता सुपरमैन बन रहा था, मैं सुपरमैन कर सॉरी टाइगर श्रॉफ बन रहा था ना मैं उस दिन। तो उस दिन से ये वाला पर्दा ऐसे का ऐसी लट गिरा पड़ा, कल लगान जा रहे थे तो पवन कह रहा रहन देना संडे को लगा देंगे फिर, एक मुझे पक्का पता संडे को भी ऐसे ही देखना, कोई लगा संडे को जाएंगे हम सब सूट पे और ऐसे ही है। और फिलहाल मैं ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि आप नहीं बना पाया ना मैं भाई, देखो हर रोज ब्लॉग है ना, छोटा ही ब्लॉग बन पाया, 6-7 मिनट की तो इतनी ही बना पाता मैं। तो अगर आपको ब्लॉग ये अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, तुम सारे आप आपस के हो, सब्सक्राइब करा करो, शेयर भी किया करो, और जय भोलेनाथ जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके भाई, ब्लॉगर ऐसे करते ना, मैं भी ब्लॉगर ही तो हूँ। ओके मिलते हैं अगले ब्लॉग में, शिट कट कर दो, ओ शिट रह गया था, अब कट कर देता हूँ फाइनली, जय भोलेनाथ जी।